भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मंगलवार को बीजेपी के विधायकों से उनके आवास पर जाकर भेंट की। बीजेपी अध्यक्ष ने इस दौरान पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी से भी उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। महेंद्र भट्ट ने विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ साथ विधायक शक्तिलाल शाह, शैला रानी रावत और विनोद कंडारी से भी मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 तारीख को कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राजभवन घेरने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता 5 अगस्त को देहरादून में राजभवन का घेराव करेंगे। पूरे देश के अंदर पहले ही त्राहिमाम त्राहिमाम मचा था। अनाज महंगा, राशन महंगा, खाने का तेल महंगा, रसोई गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। अब मूल जो आवश्यकता है जीने की, आटा, दूध, छाछ, उस पर भी GST लगा दिया। इस बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार का तुर्रा ये है कि बेशर्मी से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं कि हमारे ज़माने में कम महंगाई है। सरकार की जन विरोधी इन नीतियों के खिलाफ 5 अगस्त को पूरे देश में कांग्रेस जन तमाम उच्च पदों पर बैठे हुए, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनका घेराव करेंगे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी 5 अगस्त को सुबह 10 बजे प्रदेश के मुख्यालय में एकत्रित होंगे। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में राजभवन कूच किया जाएगा और राजभवन का घेराव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रदेश भर के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया। धन सिंह रावत ने बताया कि छात्र छात्राओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किए गए हैं, जिसके तहत स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालयों को सम्मानित किया गया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य स्तर पर स्वच्छ पुरस्कार 2021-22 हेतु प्रदेश भर के 100 स्कूलों को ओवरऑल कैटेगरी में, जबकि 73 स्कूलों को सब कैटेगरी में जनपदीय चयन समितियों के द्वारा नामित किया गया था। उन्होंने बताया कि पुरस्कृत विद्यालयों में से 14 विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। देखिए, आज जितने हमारे माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक संगठन है, चाहे वो प्रधानाचार्यों के एसोसिएशन है, चाहे वो LT की है, चाहे वो इंटर कॉलेजों की है, चाहे वो BSc की है, चाहे जूनियर की है, मैंने पहले कहा था कि हर 100 दिन में मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, और आज मैं दूसरी बार उनके साथ बैठा हूं। और उनकी जो भी जायज़ मांगे हैं सरकार उनको पूरा करेगी। उनके प्रमोशन की बातें हैं, उनके स्थानांतरण की, आप और इस बार सारे शिक्षक संगठन खुश भी हैं कि प्रमोशन उनके सबके हो गए हैं। समायोजन की भी सरकार ने प्रक्रिया की है, और मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार 15% टीचरों के जो है इस बार ट्रांसफ़र हुए हैं। आज बड़ा कार्यक्रम ये था कि स्वच्छ विद्यालय सर्वेक्षण में 27 स्कूलों ने जो है बहुत अच्छा काम किया है, उनको आज पारितोषित दिया गया है, सरकार की तरफ से उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं। और आज विद्यालय शिक्षा ने एक अपने फेसबुक से लेके ID से लेके सब एक उसका लॉन्चिंग की है, और हमारी जो ये ID रहेगी, ये माध्यमिक शिक्षा जो है, जो भी अच्छा स्कूल काम कर रहा है नवाचार में, जो काम कर रहे हैं, चाहे वहाँ के टीचर हों, चाहे वहाँ के बच्चे हैं, वो जो है पूरे प्रदेश में सारे शिक्षकों को एक अभिनव प्रयोग के रूप में किया जाएगा। नैनीताल जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य रामनगर पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ रेखा आर्य का स्वागत किया। रेखा आर्य ने कहा कि वो नैनीताल की प्रभारी मंत्री के रूप में रामनगर पहुंची हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बतौर प्रभारी मंत्री के रूप में नैनीताल के विकास के लिए उनसे जो भी बन पाएगा वो करेंगे। जनपद नैनीताल के रामनगर आना हुआ, और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, निश्चित रूप से हमारे संगठन के पदाधिकारियों में, निश्चित रूप से आम जन में और मातृशक्ति में ज़बरदस्त जोश और ज़बरदस्त जोश के साथ में सब ने अभिनंदन किया, और मैं उन सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस समय हम सब लोग जान रहे हैं कि बरसात का मौसम है, सावन का महीना है, लगभग बरसात का मौसम आपका 15 सितंबर तक के आसपास का बना रहता है, और इसको देखते हुए सरकार की ओर से भी और PWD विभाग की ओर से भी लगातार जहाँ से भी लैंडस्लाइड हो सकता होगा, संभावित है, जहाँ पे भी रोड बाधित है वहाँ पे चाहे JCB लगानी पड़े, पोकलैंड लगानी पड़े, सब व्यवस्थाएं सरकार वहाँ पे सुनिश्चित कर रही है। अब मैं धनगढ़ी की बात करिए, निश्चित रूप से मैं भी जिलाधिकारी से बात करूँगी कि आखिरकार धनगढ़ी में ये विषय ऐसा इतना गंभीर क्यों बना हुआ है। धनगढ़ी ठीक हो सके, धनगढ़ी के लोगों को सुविधा मिल सके, वो सुनिश्चित किया जाए।
बेरीनाग में तहसील कार्यालय के पास नगर पंचायत के खेल मैदान में बिना व्यापार संघ और नगर पंचायत की अनुमति के बाहरी व्यक्तियों के द्वारा सर्कस और मेला लगाने के विरोध में व्यापारी विनोद पाठक का आमरण अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। विनोद पाठक ने कहा कि जिस स्थान पर मेले का आयोजन किया जा रहा है वहां पर 5 स्कूल है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं व्यापारी के समर्थन में नगर पंचायत अध्यक्ष हेम पंत और बीजेपी नेता भी आगे आए हैं। देखिए सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है और हम मेला हटे बगैर जब तक मेला नहीं हटता मैं आमरण अनशन में बैठा हूं और लगातार इस चीज़ में बैठे रहूंगा। सभी व्यापारी भाइयों का सहयोग मिल रहा है और अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सुध नहीं लिया, 24 घंटे हो चुके हैं। रामनगर के ढेला क्षेत्र में अचानक मार्ग पर हाथी आ जाने से अफरा तफरी मच गई। हाथी राजमार्ग पर काफी देर तक चहलकदमी भी करता नजर आया जिससे आवाजाही बाधित रही। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कभी भी ऐसी मुठभेड़ हो तो लोग की गलती क्या करते हैं कि मतलब उसको प्रॉपर स्पेस देते नहीं है, तो स्पेस देना चाहिए क्योंकि हर जगह एलिफेंट कॉरिडोर है और एलिफेंट तो आपको बताइए हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मूवमेंट करते हैं। तो जब भी ऐसी कोई मतलब आपको से आपका इनकाउंटर हो उनसे फेस टू फेस हो एलिफेंट से तो आप प्रॉपर स्पेस दें कि डिस्टेंस पर आप खड़े हो जाएँ और उनको जाने दें। हालांकि थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि मेल एलिफेंट का भी थोड़े उनके अंदर एक एटीट्यूड होता है क्योंकि मेल होते हैं और काफ़ी साइज बड़े होते हैं और टस्कर तो आपको पता ही है कितना एटीट्यूड वाला मतलब एनिमल होता है, तो ऐसे में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। तो हम वेट कर रहे थे अचानक से एक बाइक वाले को हमने इनको रोका भी, मना भी किया कि मत जाओ अभी हाथी अभी मतलब क्रॉस हो ही रहा है, फिर भी माने नहीं और जब से उन्होंने बाइक निकाल दी क्योंकि साउंड बड़ी इरीटेट करता है एलिफेंट्स एनिमल्स को, तो वही उसका नतीजा हुआ कि जैसे ही वो मतलब बाइक क्रॉस हुई हो वैसे ही हो दौड़ता हुआ आ गया। वो गिने बाद यदि थोड़ी दूरी सही थी अदरवाइज कुछ मिस हैपनिंग हो सकती थी। नगर पालिका चंबा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 9 में कृष्णा होटल पैलेस से लाडेसर आश्रम सहित अनेक गांवों को जोड़ने वाला मार्ग अब जर्जर स्थिति में आ चुका है। प्रशासन को इसकी सूचना भी दी गई थी लेकिन इस मामले में कार्रवाई न होने के कारण स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि बरसात के समय यहां आने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो है ये ग्राम सभा ढरसाल गाँव को ये मार्ग जोड़ता है और ग्राम सभा ढरसाल गांव के साथ साथ ये पैदल मार्ग ग्राम सभा जगदार रानीचौरी डारगी और सिमलटा का भी होता है। तो इस मार्ग को बनाने के लिए क्योंकि ये पूर्व में ग्राम सभा के पास था तो ग्राम सभा ने काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत इस सड़क मार्ग का निर्माण किया था। उसके बाद ये नगर पालिका के अंतर्गत आ गया और नगर पालिका को भी कई बार इस रोड की मरम्मत के लिए बोला गया है लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही साथ में जिलाधिकारी महोदय को भी जो है इससे पहले 3 बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, क्षेत्रीय जनता के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने इस पर कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं की है। काफ़ी वार्ड नंबर 9 है जिसमें लाडेश्वर वाली रोड है गणपति से थोड़ा अंदर जाते हुए, जिसपे हमने कई बार जिला अधिकारी को भी ज्ञापन दिया। ये बहुत समय हो चुका है जिसमें अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें हमने अधिकारी जी को भी जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया था कि इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, पर किंतु अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसपे मजबूरन आज हम लोगों को यहाँ पर आंदोलन की करना पड़ रहा है। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक में रहने वाली गैनी देवी के कच्चे आवासीय भवन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई जिसे फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा बुझा दिया गया। आग लगने के कारण घर में रखा बिस्तर और खाने का सामान जलकर राख हो गया। वहीं ब्लॉक प्रमुख शिवानी बिष्ट ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। हम तो दूसरा कमरा में थे जिताएगो बाद में जब आग बहुत ज्यादा लगी तब हम बैठे तो वही सेट का तो दरवाजा नहीं खुले तब हम फोन करी गाँव सोचित करे तब वो नहीं फोन कर गाँव तो गाँव में पानी बुझाए तब वो नहीं करे फायर ब्रिगेड पे फोन फोन बाकी कुछ नहीं बचे सब कुछ जल के रखा। क्या क्या सामान भांडा बर्तन सब कुछ जेवर सब कुछ कुछ भी नहीं बचे गैस सिलेंडर टीवी सब कुछ जो होता है। ऐसे कोई अधिकारी आए? हाँ जी आए पर वो आए फायर ब्रिगेड वो भी आए पटवारी जी भी आए थे वो भी ले गए देख के और भी आए हमारे यहाँ नकोट से वो भी गए हैं देख। रात लगभग 12 बजे यह घटना हुई ग्राम पंचायत मारदा में। उन्हें भारी नुकसान हो गया जिसे शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा मकान जल गया और उनके घर में जो राशन पानी व अन्य सामग्री थी वो पूर्ण तरह से तहस नहस हो गई।
एवं जल गई हो। मैं प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि उन्हें खाने की न रहने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही।